Evening all of you, welcome to the class. How are you all doing? Can you all see me? Can you all hear me? Am I audible to you? Am I visible to you? Hello everyone, good evening. How are you people? Kaise sab log? Can you all see me? Can you all hear me? Am I audible to you? Am I visible to you? Jaldi se bata do bachcha paadi. Hi Twinkle. Twinkle, twinkle, little star. Welcome in the class, my superstars. Welcome to the class, everyone. Good evening, bacha. How are you all? I hope everybody is safe and sound out there, happy and safe, healthy. Everyone, are you doing good? All right. Hi, Alka. Hi, Twinkle. Ram Ram Devil. Hi, Mitali. Hi, Kushi. चलिए फटाफट बच्चा स्टार्ट करते हैं क्लास को. दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर डॉक्टर कृतिका. Welcomes you all on your very own channel, that is An Academy 11th and 12th. ऐसा हो ही नहीं सकता हर्षित. Actually, it is raining like cats and dogs in my area, so it's very very weird. I'm good, Vinay. How are you? It's raining very badly, यार. It's raining very badly over here. Couldn't connect with the network. अभी I think you can hear me. You can. Hi Manjali, जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर अड्यू. वेलकम टू द क्लास. सो थॉट फॉर द डे इज क्लैरिटी इज पावर. क्लैरिटी इज पावर मतलब यार अपनी विजन ठीक रखो, आगे तो तुम्हें हिम्मत मिल जाएगी उसको करने के लिए. जस्ट या आई एम गुड, थैंक यू सो मच. हाय ट्विंकल, आई एम गुड बच्चा, थैंक यू ईशन ज्योत. All right, welcome to the class everybody, welcome to the class bachapadi. I don't know, I can't see myself visible on the screen. Just let me know if I'm visible and audible to know or not. Kya mujhe dekh pa rahe ho, sun pa rahe ho? Chalo, this is the link of the telegram channel given in the description box. Jaldi se jaake fatafat telegram channel join kar lo. An Academy ka learning app download nahi kara to abhi kya bhi kar lo, hai na? Abhi kya bhi kar lo beta, क्योंकि उसमें तुम्हारी बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस होने वाली है बेटा. यस यस बेटा, जल्दी से. यू हैव टू टेक, यहाँ पर आपका आता है फ्री लाइव क्लासेस. आप इसको जाके आप मेरा कोड लगा के फ्री में आप यू कैन वॉच ऑल द फ्री क्लासेस, ऑल द फ्री क्लासेस, ऑल द क्विज, एवरीथिंग. चलो दैट्स ग्रेट बेटा. An Academy सब्सक्रिप्शन आपको क्या बेनिफिट देता है? आपके मन में आ रहा होगा ना, मैम यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हैं अच्छा खासा, मैम An Academy क्यों ले सब्सक्रिप्शन? बेटा यूट्यूब पे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, हम लोग बहुत फोकस होके नहीं पढ़ पाते यहाँ पर, राइट? सो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसमें हम लोग एकदम अपने घर पे कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. अनलिमिटेड कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर, तो मैं ही पढ़ा रही हूँ. अनलिमिटेड मतलब सपोज 70 टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, 70 टीचर्स पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के, तो आप सारे टीचर्स के पढ़ सकते हो. आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं कंट्री के बेटा. रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है आप लोगों को. थोड़ा सा अवॉइड करना डिस्टर्बेंस. एक्चुअली मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी ठीक से, बट प्लीज 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 कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट बच्चा. I am really sorry for the sounds that you can hear in my background. I am really sorry. चलिए. Exhaustive coverage of syllabus भी मिल जाता है आपको. Yes, exhaustive coverage of syllabus भी मिल जाता है बेटा आपको plus पे. Mentorship guidance तो मिलती है. PDF मिल जाती है. Study material इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा study material के लिए, right? चलो. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अवॉइड करना. पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो डिस्टर्बेंस नहीं पता लगेगा, बट अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो डिस्टर्बेंस ही सुनाई में आएगा, राइट? तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू दैट व्हाट इज द क्लैरिटी इन योर माइंड, है कि नहीं? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चा. ट्वेल्थ होता है बेटा एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे.
ठीक है। चलो बेटा साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ये सब चीजें यूट्यूब पे नहीं होती बेटा, ये सब चीजें हेमंत यूट्यूब पे नहीं होती, ये सब चीजें जो ऐप पे मिलती हैं आप लोग को, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सब आप लोग को बेटा ऐप पर ही मिलता है, प्लस पर ही मिलता है ना। यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर्स, आप अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देना है बेटा 12 मंथ्स का, अगर आप लेते हो तो अभी ऑफर चल रहा है आपको 2 मंथ्स का फ्री मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर 12 मंथ्स आपको पड़ रहा है 15,000, आप मेरा कोड लगा दोगे उसमें आपको पड़ेगा 13,500 का, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 14 मंथ से तो हार्डली 1,000 आ रहा है, 1,000 रुपीज, वो भी सारे सब्जेक्ट्स 1,000 रुपीज पर मंथ में। आई डोंट थिंक इट्स कॉस्टली एट ऑल टॉप एजुकेटर्स से पढ़ना है ना। तो बेटा ये कोड लगा के आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बेटा, एंड बहुत अमेजिंग अमेजिंग बैचेस चल रहे हैं बेटा। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो भैया अकेले पढ़ना है, मुझे तो इम्पोर्टेंस चाहिए, तो आपके लिए बेटा, तो आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, राइट। यू कैन गो फॉर दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट शेयरिंग क्लियरिंग फीचर्स मिलते हैं आप लोग को, वीकली टेस्ट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आपके पेरेंट्स से बात करेगा आपका एजुकेटर, साथ में स्टडी प्लानर भी मिलेगा, और सारे बेनिफिट्स प्लस वाले तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। तो दीज ऑल आर सब्सक्रिप्शंस आइकॉनिक और प्लस, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अपना डाउट पूछ सकते हो, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स आप इसको पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। एंड आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो कभी भी कैसे भी, ठीक है। डाउट ही रखना चाहिए। अभी जो ऑफर चल रहा है बेटा उसके अकॉर्डिंग आप 12 मंथ्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, साथ में आपको क्रिएटिव कॉर्नर 3 मंथ्स का और कोडिंग का आपको लाइफ टाइम का मिलता है, लाइफ टाइम। तो अभी विदाउट अ वेट जल्दी से फटाफट कर लो बेटा स्टार्ट, अन अकेडमी डाउनलोड करके मुझे ढूंढ लो वहां पर, मुझे सर्च कर लो 6080 से और मुझे फॉलो कर लो ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। और यू कैन अनलॉक द फ्री कंटेंट ऑन अनअकैडमी विद माय कोड। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर आ रहा होगा मेरा पीछे, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, दुनिया ही ऐसी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए सारा का सारा फ्री कंटेंट आप मेरे कोड से अनलॉक कर सकते हो बेटा। चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। ये प्राइम बैच है आप लोगों का, प्राइम बैच क्लास 11th का प्लस पे। मेरे साथ साथ मैथ्स पढ़ा रहे तुषार सर, फिजिक्स पढ़ा रहे मनोज सर, केमिस्ट्री पढ़ा रहे राहुल डूडी, केमिस्ट्री पढ़ा रहे विवेक गुप्ता सर, राहुल डूडी सर, इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ, तमसा मैं पढ़ा रही है बायोलॉजी, राइट। ये सारे के सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। कॉस्ट कितनी है? 13,500 रुपए पूरे साल के ये सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं आप लोग को, समझ में आया? दैट इज द वे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चा, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्लास। हमें करना कुछ नहीं आज, आज बहुत ही यू नो हम वैसे पढ़ ही रहे हैं, ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज मैं आप लोग को कराने वाली हूँ इसका बेटा, आज आप लोग को क्या कराने वाली हूँ, पहले तो बताओ सबने चैप्टर पढ़ा था, कोई डाउट्स हैं किसी के? अगर डाउट्स है तो डाउट्स क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू करा रही हूं। सेशन को ना लाइक करना होता है बेटा, सेशन को लाइक करना होता है और शेयर करना होता है बेटा, फटाफट सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जल्दी बताओ कोई डाउट्स है तो जल्दी बताओ, नहीं है तो फिर एमसीक्यूज करें, प्लीज पूछिए एक बार। ये हम खत्म कर चुके थे चैप्टर बच्चा, ये चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके थे, अब आप बताओ मुझे कोई डाउट है इसमें, नहीं तो आगे बढ़े। फिजिक्स आई डोंट नो, मैं पता करके बताऊंगी आपको बेटा। ट्विंकल इस वीडियो के एंड में कमेंट छोड़ देना बेटा कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगी मैम से पता करके। अशप्रीत मैम लेते हैं बेटा, अशप्रीत, अशप्रीत मैम लेते हैं फिजिक्स।
समरी दोबारा से पढ़नी है? समरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, ये तो डाउट क्लियरिंग सेशन है। समरी के लिए आप बेटा पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। चलो एक भी बात सुनो, पहले थोड़ा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर वन जल्दी बता दो मुझे, हु इज आंसर देखते सबसे पहले कौन करेगा? 6 बजे है क्लास की टाइमिंग बेटा, 6 PM। देखते हैं सबसे ज्यादा आंसर कौन करेगा सबसे पहले। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर? जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन, ऑथर ऑफ द चैप्टर कौन है जल्दी बता दो। वेरी गुड मिताली, वेरी गुड वंश, आंजी, ट्विंकल, वेरी गुड इकबाल, वेरी गुड बेटा निष्ठा, वेरी गुड शाबाश अदिति, ट्विंकल, अंजलि। अंजलि 12th की तभी भी 11th में आ रही है, कितना डेडिकेशन है इसके पास, वाओ। वेरी गुड आर एस हार्ट हैकर ऑफिशियल शिवू, वेरी गुड बेटा खुशी, बहुत बढ़िया कुनाल, खुशी, अलका, वेरी गुड। चलो तो पता लग गया बेटा खुशवंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन करेक्टर कौन है स्टोरी का बेटा? मेन करेक्टर कौन है स्टोरी का? मेन करेक्टर कौन है? यस इकबाल, मेन करेक्टर कौन है स्टोरी का बेटा? मैं ऑप्शन दे रही हूं, मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर। वेरी गुड, ग्रैंड मदर इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, वेरी गुड। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट बताओ मुझे, ग्रैंड फादर की अपियरेंस कैसी थी? ग्रैंड फादर की अपियरेंस कैसी थी? मैं एक काम करूंगी, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, इसके पहले के लेक्चर्स में आपको भेज दूंगी, आप लोग उसको वॉच कर लीजिए बच्चे अच्छे से एंड देन नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? जिसने भी चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं चैप्टर का लिंक आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेज रही हूँ बच्चा, यू कैन फॉलो दैट चैनल, यू कैन फॉलो दैट चैनल एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? आप वहां पर मैं आपको नोट्स सारे भेज दूंगी, सारे के सारे मैं आपको लेक्चर के लिंक्स भेज दूंगी ताकि आपके कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए। दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल बच्चा, आपके चैट में शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए चैनल को जल्दी से। सबको शो हो रहा है चैनल, फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लो बेटा। एवरीबडी ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट आप लोग से कुछ भी मिस ना हो, ठीक है? सब लोग टेलीग्राम चैनल, चैनल शो नहीं हो रहा, हो रहा होगा बेटा। डाउनलोड करिए टेलीग्राम और ज्वाइन कर लीजिए बेटा। अभी देखो मैंने दोबारा भेजा है, चलो ग्रेट।
चलिए बेटा नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन बताओ फटाफट। ग्रैंडफादर की अपियरेंस कैसी थी? ग्रैंडफादर की अपियरेंस कैसी थी? कैसे दिखते थे वो? हाय ब्रजेश, उनकी व्हाइट बियर्ड थी। वेरी गुड, काफी ओल्ड थे। वेरी गुड, और बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो कौन बताता है, आई डोंट नो कौन बताएगा, मुझे नहीं पता। बताओ मुझे, ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी? ग्रैंड मदर की अपियरेंस। कब का आंसर दे दिया? वेरी गुड, ग्रैंड मदर की अपियरेंस कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बता दो, ग्रैंड मदर की कैसी अपीयरेंस थी? वेरी फैट, ओल्ड। वेरी गुड, ओके, शी लुक्स मच ओल्ड। शी हैज ओके, रिंकल्स थे, लिख दो यहाँ पर, रिंकल्स थे। वेरी गुड, काफी ओल्ड थी, काफी बेंड थी, काफी गोलू गोलू सी थी, मोटी थी, है ना, ये थी। और बेटा उनका फेस पेल कलर का था। वेरी गुड, साथ में एक और चीज भी तो थी, साथ में एक और चीज भी तो थी बेटा। देयर वाज वन मोर थिंग, रिंकल्स थे। वेरी गुड, वो व्हाइट कपड़े पहनती थी, स्पॉटलेस व्हाइट। स्पॉटलेस व्हाइट थी बेटा, कपड़े पहनती थी, और हमेशा उनके हाथ में रोजरी होती थी, बीड्स ऑफ रोजरी। हमेशा जो उनके लिप्स थे वो इन ऑडिबल प्रेयर गाते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर को गाते रहते थे। ऐसा था कि नहीं था? यस, स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी पहनती थी, इन ऑडिबल प्रेयर्स में उनकी गाते रहते थे बेटा, है ना, ये गाते रहती थी वो प्रेयर्स। ये चीज है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाय हनी, ग्रेट। अब बताओ मुझे, ध्यान से बताना इसका आंसर। विच एनिमल, वो कौन से एनिमल को फीड करती थी जब वो विलेज में थी? व्हेन शी वॉज इन विलेज, तो वो कौन से एनिमल को फीड करती थी? व्हेन शी वॉज इन विलेज, तो वो कौन से एनिमल को फीड करती थी बेटा? जल्दी से बता दो मुझे। वेरी गुड नरेश, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। विलेज में स्पैरोस को करती थी अंजलि? नो, पिजन्स को करती थी? नो, विलेज में तो स्पैरोस और पिजन्स नहीं थे ना बेटा, डॉग्स थे, स्ट्रे डॉग्स। डॉग्स को करती थी, काउस नहीं थी बेटा, डॉग्स थे। और जब वो सिटी में आ गई तब वो किसको करती थी? जब वो सिटी में आ गई तब वो किसको करती थी बेटा? जब वो सिटी में आ गई तो वो स्पैरोज को करती थी, स्पैरोज। ओके, विलेज में डॉग्स और सिटी में स्पैरो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था? जल्दी से, वेरी गुड, वन जुनेजा, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा वो खाता था स्टेल चपातीस, तेल चपातीस खाता था वो, और साथ में बटर एंड शुगर। तेल चपातीस के ऊपर बटर एंड शुगर लगा के खाता था वो। और हम सबने बचपन में ये मलाई चीनी और पराठा तो जरूर खाया होगा, 110%।
सबने खाया है। स्टील मतलब बेटा जैसे रात को मम्मा खाना बनाती है, तो रात को कुछ खाना बच जाता है, सुबह वो जब बचा हुआ खाना हम खाते हैं तो वो थोड़ा बासी हो जाता है ना, तो बासी खाने को बोलते हैं स्टील। बासी खाने को क्या बोलते हैं? स्टील चपाती, स्टील। क्लियर हुआ? यस। तो जो स्टील चपाती, बासी चपाती, रात की बची हुई चपाती, वेरी गुड अदिति, अलका, समझ में आया? स्टील चपाती विद बटर एंड शुगर, ऐसा खाते थे वो लोग। चलो अब बताओ मुझे, ग्रैंड मदर ऑथर को स्कूल छोड़ने क्यों जाती थी? ऑथर को स्कूल छोड़ने ग्रैंड मदर क्यों जाती थी? जल्दी से, व्हाई डिड ग्रैंड मदर यूज टू गो टू ड्रॉप ऑथर टू स्कूल? ऑथर बहुत छोटा बच्चा था, ऑथर को कुछ समझ नहीं आता था। वेरी गुड ट्विंकल, वेरी गुड वन शिवा। शिवा क्या कह रहे बेटा? ट्विंकल, वेरी गुड हार्ट हैकर, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड सिमी, वेरी गुड। बेटा देखो, जो टेम्पल था वो स्कूल के बगल में था, स्कूल के बगल में था। बगल को क्या बोलते हैं? बगल को नियर बोल सकते हैं, और दूसरा क्या बोलेंगे बगल को? बगल को क्या बोलेंगे? नियर तो बोलेंगे, साइड, बिसाइड, अच्छा विसिनिटी, करीब, पास में। टेम्पल जो था वो स्कूल के पास में था, तो ऑथर तो पढ़ाई करता था स्कूल जाके, ग्रैंड मदर चली जाती थी टेम्पल में पूजा करने। वेरी गुड, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब मुझे बताओ, ऑथर के पेरेंट्स कहां पर रहते थे? ऑथर के पेरेंट्स कहां पर रहते थे? अच्छा, कितने लोगों ने, अभी मुझे 31 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कितने लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक? जल्दी बता दो मुझे, कितने लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं करा है? बताओ, मैं बताऊंगी अभी। शिवू नहीं करा अभी, अक्षित ने भी नहीं करा, अदिति ने भी नहीं करा। बेटा जिस बच्चे ने नहीं करा है, फटाफट जाके करो। प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कर लो। उस पे अपना गोल सेलेक्ट करना बेटा, उस पे गोल सेलेक्ट करो, अपना क्लास 11th डालो, ठीक है? फिर बेटा वहां पर आ रही होंगी फ्री लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस, किसी भी क्लास को ओपन कर लेना, किसी भी क्लास को ओपन कर लेना, उसमें कोड मांगेगा, इनवाइट कोड। इनवाइट कोड में आपको डालना है कैपिटल लेटर्स में क्रिट्स, और वो आपकी क्लास आप देख पाओगे बेटा, वो क्लास आप देख पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? सब लोग आज कर लेंगे इसको, और सब लोग जाके अनअकैडमी पे 6080 करके मुझे भी सर्च कर लोगे, मेरा नंबर है 6080। जब आप लिखोगे सर्च करने के लिए तो मैं आ जाऊंगी, तो मेरे को फॉलो कर लेना सब लोग वहां पर, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है? देन यू कैन वॉच एनी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी स्पेशल क्लासेस है आप सब देख सकते हो, क्विज भी कर सकते हो वहां पर, ठीक है? मैं जब इसका चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, मैं वहां पर क्विज रखूंगी उसका, तो आप लोग क्विज भी अटेंड करिएगा। बेटा जब वो लाइव क्लास होती है ना, तभी आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद नहीं। हाँ बेटा, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं प्लस पे, तभी तो मैं समझा रही थी कि प्लस पे पढ़ना कितना मतलब अमेजिंग होता है, वो ऐसा नहीं पढ़ते प्लस पे,
अलग पढ़ते हैं, प्रॉपरली कोर्स होता है आपका, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग को एक बैच मिल जाता है कि आप इतने से बजे तक, इतने बजे तक आप ये पढ़ोगे, उससे तो उस बजे तक ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, ऐसे करके, है ना। और आई थिंक अगर आप कोड लगाते हो तो आपको 13,500 रुपीज पड़ता है पूरे साल का। वहां पर नोट्स भी मिलते हैं बेटा, वहां पर नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। चलो इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी ना बेटा, बताया था मैंने, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस पे नोट्स डाल दूंगी शिवू, ठीक है। आज जाके पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना, ओके। चलो ग्रेट, अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो मुझे बताओ ग्रैंड मदर क्या करती थी, जो ग्रैंड मदर थी वो टेंपल जाके क्या करती थी, टेंपल जाके वो क्या करती थी, मेडिटेशन, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, गाने गाती थी या पढ़ाती थी, स्क्रिप्चर्स लिख पढ़ती थी, रीडिंग करती थी मैगजीन की, स्टोरी बुक पढ़ती थी, क्या करती थी, वेरी गुड, स्क्रिप्चर्स ही पढ़ती थी बेटा, स्क्रिप्चर्स ही पढ़ती थी। व्हाट इज स्क्रिप्चर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं बेटा, जल्दी बताओ मुझे फटाफट, स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, वेरी गुड नो, वेरी गुड लॉजिक, हाँ हाई लॉजिक, वेरी गुड नरेश, बेटा होली बुक्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, होली बुक्स को बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, वेरी गुड। मंदिर में मैगजीन कौन पढ़ेगा, और ये बलम पिचकारी तूने मुझे मारी वाली होली नहीं है बेटा, ये होली है, मतलब भगवान वाली बुक्स, है ना, समझ रहे हो, होली बुक्स, सेक्रेट बुक्स, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलो अब बताओ मुझे, जब ग्रैंड मदर सिटी में आई, जब ग्रैंड मदर सिटी में आई बेटा, तो वो ऑथर को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जाती थी, जब ग्रैंड मदर सिटी में आ गई तब वो ऑथर को स्कूल छोड़ने क्यों नहीं जाती थी बेटा, जल्दी से टाइप करके बताओ आंसर मुझे, छोटा छोटा आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड मिताली, शाबाश बेटा। जब वो सिटी में आ गई, वेरी गुड, वो मोटर बस से जाता था स्कूल बेटा, वो मोटर बस से स्कूल जाता था, इस वजह से वैन्स थी, बसेस थी, ठीक है, वेरी गुड, उसके लिए स्कूल बस थी, वेरी गुड, ग्रेट। अब बताओ मुझे ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे कौन सा होता था, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे कौन सा होता था, ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे कौन सा होता था बेटा, जब वो क्या करती थी, रोजरी पढ़ना, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड निष्ठा, हाय रिंकू, वेरी गुड मिर्जा, वेरी गुड। जब वो स्पैरोज को फीड करती थी बेटा, जब वो स्पैरोज को फीड करती थी, वो सब समय सबसे ज्यादा उनका फेवरेट टाइम होता था, फेवरेट टाइम, That's the happiest moment, है ना? माय मंदिर मंदिर जाना नहीं बेटा,
जब वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी, वो टाइम सबसे ज्यादा अच्छा टाइम था। मैं बहुत अच्छी हूँ रिंकू, आप कैसे बच्चा? ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। जब ऑथर अब्रॉड चला गया, जब ऑथर अब्रॉड चला गया, हाय इरशाद, बेटा मेरे नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इंग्लिश का, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है? ग्रेट बेटा, जब बताओ मुझे, जब ऑथर अब्रॉड चला गया 5 साल के लिए, 5 years के लिए, तब क्या हुआ था? What happened? जब ऑथर 5 साल के लिए अब्रॉड चला गया था, तब क्या हुआ था? हाय सलोनी, हाय सोनी, आपको किसका लिंक चाहिए? रिंकू, हाय अनस, बहुत डिस्टर्बेंस करती हो सोनी तुम तो। वेरी गुड, ग्रैंड मदर जो थी बेटा, ग्रैंड मदर और उनका बेसिकली ऑथर का बॉन्ड जो था, रिश्ता था, वो खराब हो चुका था, बहुत सैड हो गई थी वो। यस, ग्रैंड मदर अकेले हो गए थे बेटा, अकेले बोले तो। राहुल सर का लिंक चाहिए? मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेज देती हूँ बेटा, वो आप ज्वाइन कर लो, एक सेकेंड दो मुझे बेटा। बच्चा दिस लिंक आई एम गिविंग यू, यू कैन ज्वाइन राहुल सर क्लास, ये लो। अभी अभी मिल गया लिंक सबको? सब लोग ज्वाइन कर लो बेटा क्लास को। मिल गया लिंक सबको? मिल गया? एवरीबडी गॉट द लिंक? लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तभी तो दूसरा लिंक दिया था मैंने। बेटा इसको ज्वाइन कर लो, इस पे ज्वाइंट हो जाओ बेटा। चलो इस पे ज्वाइंट हो जाओ। यस बेटा, शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली, शी वॉज फीलिंग वेरी अलोन, है ना? उनको काफी परेशानी हो रही थी, काफी दुख हो रहा था बेटा, काफी सैड थी वो, क्योंकि ग्रैंड मदर अकेली हो गई थी बेटा। वेरी गुड, अभी क्लियर है? चलो ग्रेट। अब बताओ मुझे, ग्रैंड मदर के इवनिंग के स्केड्यूल में, इवनिंग के स्केड्यूल में क्या बदलाव आया? इवनिंग के स्केड्यूल में क्या बदलाव आया बेटा? व्हाट चेंजेस केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग स्केड्यूल? इवनिंग के स्केड्यूल में क्या फर्क आया? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, She would go for a walk. She would sleep early. She would talk to his parents.
और शी डिड नॉट प्रे दैट इवनिंग, शी डिड नॉट प्रे दैट इवनिंग एंड शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ हर नेबरहुड एंड स्टार्टेड थंपिंग द ओल्ड ड्रम. वेरी गुड निष्ठा. She did not pray, neither she prayed, nor she she collected women of her neighborhood and started thumping the drums. The sagged skin of the dilapidated drums. सबको याद आया? Hi Renu. याद आया बेटा? She was dum 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 like that. She was just doing that. ढोल पीट रही थी वो, ढोल नगाड़े बजा रही थी बेटा वो. And sagged skin of the dilapidated drums की बात हो रही है. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? हाय अफसर. अब बताओ ग्रैंड मदर ने क्या बताया? जब डॉक्टर ने बोला कि इनको तो सिर्फ फीवर है, तो ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि मैं तो चार बेटा मैं नहीं कर सकती सोनिया भाई, आई कैन डू दैट. या तो उससे मैसेज करो मुझे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि तुम थैंक यू सो मच रेनू. हाय मैम कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रेनू, आप कैसे हो? वेरी गुड वंश. शी वॉज श्योर दैट. वंश ने दिया आंसर बहुत अच्छा बेटा. वेरी गुड नरेश, शाबाश. ये मेरे स्पेशल बच्चे बड़े अच्छे अच्छे आंसर देते हैं. उनको पता था कि उनका जो एंड है वो नियर है, उनका एंड नियर है, वो मरने वाली है. वेरी गुड आर एस हार्ट हैकर. What's your real name? Very good, Renu. Her end was near. उनका जो end था, उनका जो आखिरी समय था वो नजदीक है. समय आ गया है, है ना? प्रभु ने बुलाया है. चले, let's like that. Got it? Clear हुआ? अब बताओ मुझे. Very good. And she said what? अब उसने क्या कहा? What did She do. अब उसने क्या करा? What did she do? ये तो पता लग गया था बेटा उसको. ये तो पता लग गया था उसको कि भाई उसका एंड जो है वो नियर है. अब उसने करा क्या? What did she do? She said, "Leave me alone. I don't want to spend my time with you. I don't want to waste my time with you. Now I will go and pray to my God, to my Lord." है ना? क्लियर हुआ? आगे बढ़े. क्लियर हुआ बेटा? अब फटाफट एक बार समरी रिवाइज कर ले. यस. अब उसने क्या करा बेटा? उसने सबसे बात बात करना छोड़ दी. वो जाके लेट गई. शी लेड ऑन द बेड. शी लेड इन द बेड राधा, इन द बेड, है ना? और साथ में उसने प्रे करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते बेटा उसके लिप्स जो थे वो स्टॉप हो गए. उनके हाथ से वो माला गिर गई. नीचे. And she was dead to the world. वो मर चुकी थी. She was no more living. ठीक है, समझा रही हूँ समरी. देखिए बेटा, The Portrait of a Lady is a very sweet story about a relation between a grandmother and बच्चा पाड़ी, है ना? हम सबके बीच में अपना कितना अच्छा रिलेशन होता है ना ग्रैंड मदर का
अब हम लोग का आपस में रिलेशन कितना अच्छा होता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है, वही रिलेशन बताया। ही डिस्क्राइब्स, ही कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने वही रिलेशन डिस्क्राइब किया है अपनी ग्रैंड मदर के साथ इतने सालों से जो थी। ही पेंस डाउन हर डेली एक्टिविटी, वो क्या करती थी रोज, कैसे उठती थी, कैसे बैठती थी, कैसे खाती थी, क्या पहनती थी, क्या बोलती थी, क्या करती थी, सब कुछ। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था बेटा, उनकी अपीयरेंस एक रीडर के दिमाग में बिठानी शुरू करी उन्होंने। चैप्टर का नाम क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। किसके पोर्ट्रेट की बात हो रही है, किसकी फोटो की बात हो रही है? ऑथर की ग्रैंड मदर की फोटो की बात हो रही है, जैसे कि मेरे पीछे दिख रहा है। ग्रैंड मदर काफी ओल्ड थी, काफी बूढ़ी थी, उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे, बहुत सारे रिंकल्स थे उनके फेस पे। ऑथर, ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। ऑथर ने हमेशा उनको ऐसे ही देखा था। इनफैक्ट 20 सालों से उनकी एज ऐसा समझ लो कि रुक गई थी। पास्ट 20 इयर्स से उनकी एज रुक गई थी। शी अपीयर टू बी सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी। वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि उनको देख के कोई समझ नहीं सकता था कभी वो जवान भी होती होंगी या फिर उनके कभी शादी भी हुई होगी, उनके हस्बैंड भी होते होंगे, किसी ने सोचा ही नहीं ऐसा। Someone who had a husband, या वो कभी यंग भी होती होंगी, बहुत मुश्किल था क्योंकि ऑथर ने जब से अपनी ग्रैंड मदर को देखा था वो तो बूढ़ी ही थी, उसने उसको बूढ़ा ही पाया, ठीक है। और उसके अपियरेंस बताई गई बेटा, शी वॉज शॉर्ट, छोटी सी, मोटी सी, थोड़ी झुकी सी थी बेटा वो, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी जो बोन्स होती है वो बेंड हो जाती है, तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो थोड़ा बेंड था। ऑथर ने अपने ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट भी देखा, बड़े ही बूढ़े आदमी थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने और लूज कपड़े पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी यहां तक आ रही थी, उनकी दाढ़ी यहां तक आ रही थी, इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी, राइट। और ऐसा देखने से लगता ही नहीं था बेटा वो कि वो ग्रैंड फादर कभी किसी की, वो मतलब बहुत यंग हुआ कहेंगे, वो ग्रैंड फादर ही लगते थे जैसे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे बस। कभी उनकी शादी वादी का कुछ लगता नहीं था कि कभी उनकी मैरिज भी हुई होगी, ऐसा लगता था कि तो बचपन से दादा ही है, इतने बूढ़े थे वो। ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब वाइट कपड़ों में, वाइट कपड़ों में जाती थी वो, स्पॉटलेस मतलब एक भी दाग नहीं था उनके कपड़ों पे, वाइट, ऐसा लगता था टाइड का ऐड करके आ रही दादी अभी, हमारी ग्रैंड मदर अभी टाइड का ऐड करके आ रही है, बस ऐसा लगता था। विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ कमर पे रख के ऐसे 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 करके चलती थी मटक मटक के, राइट। और बेटा वो क्यों? बैलेंस बनाने के लिए, मटक मटक के नहीं मतलब बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। और बेटा दूसरे हाथ में उनकी रोजरी होती थी ऐसे करके, रोजरी और एक हाथ कमर पे ऐसे चलती थी वो। इन द इनिशियल डेज ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप, बट धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में खटास आ गई बेटा, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप खराब होने लग गया। शी यूज्ड टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, वो उसको जगाती थी, उठो बेटा स्कूल का टाइम हो गया, और उसको रेडी करके स्कूल भेजती थी। She used to pack the things required for him for the day and walked him to school every day. She used to visit the temple that was attached to the school. School के बगल में ही टेम्पल था बेटा, तो ग्रैंड मदर टेम्पल चली जाती थी और बच्चा चला जाता था स्कूल। अब जब वो ग्रैंड मदर फ्री हो गई तो उन्होंने वेट किया, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों घर एक साथ लौटते थे बेटा। रास्ते में उनको डॉग्स मिलते थे बेटा, डॉग्स, और ग्रैंड मदर इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड थी कि वो डॉग्स के लिए स्टेल चपातीज लेके जाती थी, स्टेल चपातीज लेके जाती थी। हाय खुशी, हाँ बेटा मैं कराऊंगी ग्रामर, हाय विष्णु, बेटा ये 11th क्लास चल रहा है। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स द ऑथर अलॉन्ग विद हर मदर सैट ऑन द वेरांडा सिंगिंग अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर्स। थैंक यू निष्ठा। बेटा अब क्या था, वो तो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी बैठ के, दादी तो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी ग्रैंड मदर, अब खुशवंत सिंह वहां पर अल्फाबेट्स पढ़ते थे, मॉर्निंग प्रेयर्स पढ़ते थे। हाय रॉयल राजपूत स्टेटस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास बच्चा। बोथ एक साथ, दोनों एक साथ घर लौटते थे,
राइट। और रास्ते में वो जो डॉग्स होते थे उनके लिए वो खाना भी लेके जाती थी। क्या खाना था? स्टेल चपाती, जो रात की चपाती बच गई थी, ग्रैंड मदर उनको डॉग्स के लिए लेके जाती थी बेटा, डॉग्स के लिए लेके जाती थी। ऑथर तो वहां पढ़ता था, ग्रैंड मदर वहां पर स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। स्क्रिप्चर्स बोले तो होली बुक्स, सेक्रेट किताबें, जैसे द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब जी, द कुरान, है ना, द गीता, ये सब। सून द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू सिटी टू सेटल इन कॉल्ड। जब उसके पेरेंट्स बेटा सिटी में गए तो उन्होंने उनको बुलवा लिया, चलो आ जाओ हम लोग तो सेटल हो जाए, तुम लोग भी आ जाओ यहाँ पर टू सेटल। एज दे रीच द सिटी उनका रिलेशनशिप और खराब हो गया। बेटा रिलेशनशिप तो वो होता है सच्चा, जो वक्त के साथ बदले ना, जो वक्त के साथ बदले ना, पर उनका रिश्ता बदल चुका था। बेटा दिस इज इंग्लिश लेक्चर रॉयल, दिस इज इंग्लिश लेक्चर। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी शिवांश। दो दे शेयर्ड द रूम दे ग्रो बॉन्ड टू, मतलब भले ही वो एक रूम में रहते थे बट वो काफी दूर हो चुके थे। एक घर में रहने के बाद भी हमने घर वालों से बात नहीं करते आजकल, वैसे ही हो रखा था वहां पर सिटी में। गांव में तो फिर भी बात करते थे बट अभी शहर में आके गांव गांव की तरह बात नहीं करते थे। हाय छाया, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। सारा बच्चा पार्टी ना, सारा का सारा बच्चा पार्टी जो है, सब लोग चैनल ज्वाइन कर लो बेटा, ताकि कोई भी क्लास आप लोग की मिस ना हो जाए। ये चैनल आपको मिल रहा होगा ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो जाए। ठीक है, मैं फिर से भेज देती हूँ लिंक, आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ग्रेट, सारा क्लास का नोटिफिकेशन इधर आ जाएगा बेटा। 11th को पढ़ाती हूँ बेटा मैं आपका, 4 से 5 बजे, 4 से 5 बजे एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे पढ़ाती हूँ बेटा। शिवांश हाय, हाय तेजवीर। अब बेटा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगा ना, उसकी दादी उसको छोड़ने जाती थी ना उसको लेने जाती थी, क्योंकि वो तो बस से जाता था, और ना दादी को इंग्लिश लैंग्वेज आती थी ना ग्रैंड मदर को इंग्लिश लैंग्वेज आती थी। राइट, उनको कुछ भी समझ नहीं आता था कि इनके स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं। और वो स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनकी पढ़ाई को अच्छा मांगते भी नहीं थे, अच्छा मानते भी नहीं थे। वो कहती थी जिस स्कूल में भगवान के बारे में ना पढ़ाया जाए वो स्कूल कैसा, वो शिक्षा कैसी। और देखते ही देखते उनका बॉन्ड और ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि अब वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ बेटा, जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तो उनके रिलेशन और ज्यादा खराब हो गया, उनका रिलेशन और ज्यादा खराब हो गया उन दोनों ने। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरी वन। उसने बेटा अपनी नानी ग्रैंड मदर ने क्या करा, किसी से भी बात करना बंद कर दिया। बस वो अपना चरखा लेके बस ऐसे 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 करके मूव करती रहती थी, बस चरखा चलाया, अपनी प्रेयर्स करी, दैट्स इट। और अपनी माला जपती रहती थी भगवान के नाम की, जैसे अपनी ग्रैंड मदर को देखा होगा आपने बेटा। वो शी लव्ड, जब वो सिटी में आ गई डॉग्स को तो फीड करती थी जब वो विलेज में थी, बट जब सिटी में आ गई बेटा तो वो स्पैरोज को फीड करती थी वरांडा में, छोटे छोटे टुकड़े डाल के ब्रेड के ना वो उसको फीड करती थी। दिस शोज दैट शी वॉज वेरी केयरिंग एंड काइंड हार्टेड। बर्ड्स उनके पैरों पे, उनके सर पे, कभी कभी शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, बट वो कभी भी किसी बर्ड को हट नहीं करती थी, हट जा हट जा। बेटा अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया ऑथर, वो बाहर जाता गया, अब्रॉड जाता गया बेटा पढ़ाई के लिए, और ग्रैंड मदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो सेंटिमेंटल तो होती थी बट वो शो नहीं करती थी कि वो कितनी दुखी है, वो कितनी अकेले हो गई। और जब वो लौटता था तो ग्रैंड मदर ने एक बार प्रेयर नहीं करी शाम को, उन्होंने बेटा पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसी की वजह से बेटा उनको एग्जर्शन हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई, अगले दिन उनको बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने बोला मामूली सा बुखार है, बट ग्रैंड मदर ने बोला मेरा आखिरी समय आ चुका है, मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के। एंड उसने कहा मुझे अब किसी से बात नहीं करनी, मुझे भगवान का नाम लेने दो। बेटा उस आखिरी घंटे उन्होंने अपनी प्रेयर्स को पढ़ा, और देखते ही देखते प्रेयर्स के टाइम पे उनका मुंह जो थे वो रुक गया, उनके होंठ रुक गए, वो हमेशा इनऑडिबल प्रेयर देखा होगा आपने दादी को नानी को।
इनऑडिबल मतलब जो सुनाई नहीं आती थी, बस गाती रहती थी वो, खाली उनके लिप्स मूव करते थे, तो ऐसी वो प्रेयर करते करते उनके लिप्स रुक गए। हाय अशोक, हाय एवरीवन, हाय सीमा। और वो बेटा अब डेड हो चुकी थी। और बेटा हजारों हजारों स्पैरोज आई थी बेटा, हजारों स्पैरोज आई थी बेटा। बेटा जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनको अंदर से एहसास हो जाता है बेटा, भगवान उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया, उनको पता लग गया था। शी वॉज वेरी प्योर हार्टेड, शी वॉज वेरी स्वीट, शी वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम हर हार्ट, दिल से बहुत खूबसूरत थी वो, इसलिए उनको रियलाइजेशन हो गया था कि उनका एंड टाइम आ गया है, राइट? जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कभी कभी बोलते होंगे अब मैं बस थोड़े दिन की मेहमान हूँ, फिर उनकी थोड़े दिन के बाद उनकी डेथ भी हो जाती होगी, है ना? तो जो लोग अच्छे अच्छी मेंटेलिटी के होते हैं उनको पता लग जाता है कि उनका एंड नियर है। ओके बेटा, सब लोग ना उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे बेटा। अंतिम संस्कार को बोलते हैं लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स क्रिमेशन की, है ना? अब हजारों स्पैरोज आए उनको बाय बाय बोलने के लिए, और एक भी स्पैरो ने चू तक नहीं करी। इट वाज ऑल पिन ड्रॉप साइलेंस, एक भी स्पैरो ने आवाज तक नहीं निकाली, चुपचाप आई। मदर को लगा भूखी होंगी, ग्रैंड मदर खाना खिलाती थी, अब ग्रैंड मदर तो रही नहीं, उन्होंने क्या करा, ब्रेड ली ऑथर की मदर ने, ऐसे ऐसे तोड़ी और फेंक दी। स्पैरोज ने उस ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड विच वॉज थ्रोन एट देम। स्पैरोज वहां पर, जैसे उनकी डेड बॉडी को उठाया गया बेटा, श्राउड मतलब होता है कफन, रेड कलर के कपड़े में उनकी डेड बॉडी को लपेटा गया बेटा। जब जलाने के लिए लेके जाते हैं, क्रिमेशन बोलते हैं उसको, जलाने को, बॉडी को जलाने को बोलते हैं क्रिमेशन या फिर फ्यूनरल, अगर आप बरी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फ्यूनरल और वैसे क्रिमेशन, ठीक है? तो बॉडी को जब क्रिमेशन के लिए ले जाया जा रहा था बेटा, सारी की सारी स्पैरोज उठ गई, जैसी दादी की और नानी हमारी ग्रैंड मदर की अर्थी उठी, वैसे सारी स्पैरोज भी उड़ गई। इतनी समझदार थी स्पैरोज, एक भी चू नहीं करी, चुपचाप वहां पर दुख जाहिर करने आई थी अपना कि हम भी काफी दुखी हैं, ग्रैंड मदर चली गई, हमें काफी प्यार करती थी ग्रैंड मदर। और मदर ने जब ऐसे बना के फेंकी ब्रेड, वो उन्होंने देखा तक नहीं कि तुमने ब्रेड क्यों फेंकी, और वो सब की सब उड़ गई बेटा, जस्ट टू पे रिस्पेक्ट। मोर्निंग मतलब होता है जब कोई मर जाता है बेटा, तो उसके लिए हम रोते हैं ना, वी क्राई, वी बिकम सैड, वी बिकम सॉरी फॉर देम, वो चीज उसको बोलते हैं मोर्निंग, दुख। ओके लाइक दैट। तो स्पैरोज वहां से उठ गई बेटा, उड़ गई स्पैरोज, उन्होंने देखा भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब झाड़ू वाले अंकल आए, तो उन्होंने सारी ब्रेड उठा के डस्टबिन में डाल दी। मतलब एनिमल भी कभी खाने का भूखा नहीं होता, हमेशा प्यार का भूखा होता है, राइट? इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ लव, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। फ्यूनरल क्या होता है बच्चा, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो जैसे क्रिश्चियनिटी में या फिर आपने मुस्लिम्स में देखा होगा बच्चा, दे यूज टू बेरी द बॉडी, वो जलाते नहीं है बॉडी को, वो उसको दफन कर देते हैं। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज फ्यूनरल। जब आप बॉडी को बर्न करते हो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग, देन इट्स कॉल्ड एज क्रिमेशन, ठीक है? क्रेमेटोरियम में ले जाते हैं बेटा, शमशान घाट, क्रेमेटोरियम, दैट इज क्रेमेशन। और क्रेमेशन के बाद क्या करते हैं, वी सबमर्ज द एश। हाय सोन, हाय शौरवी, समझ में आया? अभी क्लियर है? तो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर, सब लोग को समझ में आया होगा। अगर आप मेरे साथ प्लस पे पढ़ना चाहते हो बेटा, तो यू कैन टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन स्टडी देयर विद मी, ठीक है? हाँ बेटा, हिंदू में क्रिमेशंस। क्वालिटीज ऑफ ग्रैंड मदर बता दूं फिर से? देखो बेटा, ग्रैंड मदर जो थी वो काफी ज्यादा, एक तो ब्यूटीफुल थी, उनका दिल बहुत साफ था, प्योर हार्टेड थी वो, शी वॉज वेरी केयरिंग, शी वॉज वेरी लविंग, शी वॉज काइंड हार्टेड, है ना? लाइक दैट, ये सारी क्वालिटीज थी ग्रैंड मदर की। ओके
लव टुवर्ड्स एनिमल्स, क्लियर हुआ बेटा? मुझे अनअकैडमी पे सर्च करके, मेरा कोड है 6080, मुझे सर्च करके मुझे फॉलो कर लो, ठीक है? एंड अपने डाउट्स पूछ सकते हो अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर से। उसके बाद बेटा अभी हमारा नया कॉम्बैट आ रहा है, कब को? 23 मई को आ रहा है, 1 बजे। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करो, आपके पास चांस है 1 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का। हेमंत अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो बेटा एग्जाम दे दो, क्या पता तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जाए, राइट? तो 100% तुम्हें फ्री मिलेगा स्कॉलरशिप। मेरा कोड लगा देना क्रिट्स एनरोल करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा एनरोलमेंट, फटाफट ले लो जाके। अभी जो ऑफर चल रहा है बेटा, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस पे पढ़ने के लिए मेरे साथ और बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ, तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एकदम फ्री, साथ में 3 मंथ्स का बेटा क्रिएटिव कॉर्नर और कोडर्स, अगर किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी है उसमें, वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारी चीजें आप वो भी चीज कर सकते हो, मैजिक ट्रिक्स। यूज दिस रेफरल कोड टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है बच्चे बाड़ी? तो कल मिलते हैं प्लस पे, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है वो पढ़ेगा मेरे साथ प्लस पे। नथुनी विच क्लास यू आर बच्चा, कौन सी क्लास में हो आप, 11th में, 12th में? बेटा आप आईआईटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जब आप अनअकैडमी पे जाते हो बेटा, तो यहाँ पर अपना गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है ना बेटा, आपको यहाँ पर गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जब आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो, ट्विंकल एंड निष्ठा, तो बेटा यहाँ पर आपको गोल का ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ पर देखो आईआईटी लिखा हुआ है, तो इफ यू विल टेक दिस सब्सक्रिप्शन, आप ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और यहाँ से आप ले लोगे सब्सक्रिप्शन बेटा, और जब मेरा कोड लगा दोगे तो वहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा क्लास 11th का। बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी एमसीक्यू सीरीज, ठीक है? थोड़ा चैप्टर पढ़ा लूं फिर आपको स्टार्ट कर दूंगी। तो आप अपना आईआईटी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आपको डॉक्टर बनना, आप नीट का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो बेटा, ठीक है? और ये सारे बेनिफिट्स तो आपको बताई दिए मैंने कि प्लस में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरा कोड याद रखना है बेटा, KRITS, इससे आपकी सारी स्पेशल क्लासेस खुल जाएंगी, सारी फ्री क्लासेस खुल जाएंगी, सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ मिल जाएगा, और आप कोई भी क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी में भी एनरोल कर सकते हो अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो ये सारे बेनिफिट्स अगर आपको चाहिए तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, अभी अभी के अभी जाके उसको इंस्टॉल कर लो बेटा, ठीक है? और मेरा कोड तो याद ही है सबको। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट गाइस, बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच मंजली, आई होप यू गॉट द लेक्चर, अंडरस्टूड वेरी नाइसली, चल बाय एवरीवन।